किसी एपी का पांचवा पद ऋणात्मक 9 तथा 15वां पद ऋणात्मक 49 है। इस एपी के पहले 21 पदों का योगफल क्या होगा? प्रश्न को हल करने के लिए वीडियो को रोकें और फिर अपने उत्तर का मिलान करें। प्रश्न में हमें एपी का पांचवा पद व 15वां पद दिया गया है और इसी एपी के पहले 21 पदों का योगफल पूछा गया है। क्या आप बता सकते हैं कि हमें क्या करना होगा? योगफल ज्ञात करने के लिए हमें एपी के प्रथम पद ए व सार्व अंतर डी की आवश्यकता होगी। यदि हम पांचवे पद यानी कि ए 5 तथा 15वें पद यानी कि ए 15 को इस प्रकार लिखें तो हमें समीकरण 1 व 2 मिलती है। समीकरण 2 को समीकरण 1 से घटाने पर डी बराबर ऋणात्मक 4 मिलता है। डी का यह मान समीकरण 1 में रख हल करने पर ए बराबर 7 प्राप्त होता है। इस प्रश्न में हमें एपी के प्रथम 21 पदों का योग ज्ञात करना है। इस स्थिति में n बराबर 21 होगा। a, d व n के ये मान एपी के प्रथम n पदों के योगफल के सूत्र में रख हल करें। तो हमें ऋणात्मक 693 मिलता है। अतः विकल्प 1 सही उत्तर है। यदि आपने विकल्प 2 का चयन किया है तो ये अच्छी कोशिश है, परंतु यह गलत उत्तर है। क्योंकि आपने एपी के एनवे पद के गलत सूत्र के आधार पर पांचवे व 15वें पद से गलत समीकरण बना ली। और आगे हल कर प्रथम पद ए मान गलत ज्ञात किया। इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए योगफल के सूत्र में भी ये गलत मान रखकर हल कर दिया, जिस कारण आपका उत्तर गलत हो गया। यदि आपने विकल्प 3 का चयन किया है तो ये अच्छी कोशिश है, परंतु यह भी गलत उत्तर है। आइए देखते हैं कैसे। आपने सभी मान सही ज्ञात किए। और योगफल ज्ञात करने के लिए इस सूत्र का चयन किया। इस सूत्र में मान प्रतिस्थापित करते समय आपने ए एन के स्थान पर ए 15 का मान रख आगे हल कर दिया। आप ये भूल गए कि हमें श्रेढ़ी के 21 पदों का योग ज्ञात करना है, इसलिए ए एन के स्थान पर ए 15 नहीं बल्कि ए 21 का मान ज्ञात करना था, जिसकी वजह से आपका उत्तर गलत हो गया। तो उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा कि पहला विकल्प क्यों सही और बाकी क्यों गलत हैं।